हरे कृष्णा। तो जल्दी से मैं आपको हारमोनियम के पार्ट्स समझा देता हूँ, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हारमोनियम काम कैसे करता है और इनके अलग अलग पार्ट्स के क्या नाम है, जो हम आगे हम इन वर्ड्स को बहुत कॉमनली यूज करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शुरू से ही आप इन वर्ड्स के साथ फैमिलियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जिस हारमोनियम के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, ये एक स्केल चेंजर हारमोनियम है। ये स्केल चेंजर हारमोनियम एक सूटकेस के जैसे आता है। तो ये सूटकेस को मैं यहाँ पे अभी खोल देता हूँ और इसको खोलने के बाद कुछ इस तरह से एक सूटकेस के जैसे खुलता है। ये फर्स्ट पार्ट इसका हमने अलग निकाल दिया। उसके बाद इसकी ये कवरिंग है और यहाँ पर दूसरी कवरिंग है, वो मैं बताऊँगा। इसको इस तरह से ऊपर कर लिया जाता है और ये आपका हारमोनियम खुल गया। ये सारी कीज है, तीन ऑक्टेव है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो ये दो तीन का आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। नीचे व्हाइट कीज है, ब्लैक कीज है। जो व्हाइट कीज है उनके यूनिक नेमिंग होती है और ब्लैक कीज की यूनिक नेमिंग नहीं होती है। उसकी नेमिंग में मैं आगे वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ कि क्या नेमिंग है। फिलहाल समझ लीजिए ये इन्हें कीज कहा जाता है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो ये आगे ये जो हवा भरने का है इसे बेलो कहा जाता है। ठीक है, तो बेलो में आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अंदर हवा भरी जाती है। ठीक है, आप ऊपर से देखिए, यहाँ पर जो मेन हारमोनियम का दिल है, हृदय है, कोर है हारमोनियम का, मैं एक बार आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंदर पूरा सिस्टम है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड नहीं है इस हारमोनियम के साथ, कहीं कोई बिजली आ नहीं रही है, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई स्पीकर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हवा, सिर्फ हवा इसके थ्रू अंदर आती है। और यहाँ पर जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू हवा अंदर से निकलती है और जब हम की दबाते हैं तो उन पोर्शन से हवा निकलती है और वो म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए भगवान की कितनी सुंदर क्रिएशन है कि हवा में, एयर में, वायु में ऐसी प्रॉपर्टी है। ये एक वायु, ये स्पेसिफिक मेटल की जो रीड्स कहा जाता है इनको, ये रीड्स के थ्रू निकलती है और वो हवा हमारे की दबाने से उन पर्टिकुलर रीड्स से निकलती है और उससे इतने सुंदर सुर निकलते हैं, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर इनके चेंबर्स हैं। ये चेंबर्स कैसे खुलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके पहले आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए, इसे रीड्स कहा जाता है जो आप देख रहे हैं। ये पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही थिन फाइन पत्तियाँ हैं। ये पत्तियाँ टूट जाती है तो आगे की कीज खराब हो जाती है। तो ये आपने अंदर का देख लिया, ये चेंबर्स हैं। ठीक है, अब ये चेंबर्स जो हैं उनके अंदर हवा आती है, यहाँ से अंदर हवा आती है जब हम बेलो को प्रेस करते हैं। तो यहाँ से हवा आने के बाद कौन से एरिया में से हवा बाहर निकलनी है वो ये चेंबर्स से डिसाइड होता है। आप देख रहे हैं मेरे खोलने बंद करने से ये हिल रहा है, ये चेंबर खुल रहा है, देख रहे हैं आप। इसी तरह से ये चेंबर हिल रहा है, ये हिल रहा है, देख रहे हैं। तो ये चेंबर के मूवमेंट्स यहाँ आगे से होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हारमोनियम को फिर से बंद कर देते हैं। आप जब तक ज़रूरत ना हो इस एरिया को ना खोले, ये सिर्फ मैंने आपको डिपिक्शन के लिए बताया है। ठीक है, क्योंकि ये स्केल चेंजर हारमोनियम है तो यहाँ पर स्केल्स को डिस्प्ले कर रखा है और यहाँ पर एक नॉब है, इस नॉब के थ्रू मैं स्केल्स को चेंज कर सकता हूँ। और स्केल चेंजिंग क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब आपको बाद में बताया जाएगा। अब हारमोनियम को थोड़ा फ्रंट से देख लेते हैं। तो यहां से स्केल चेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अभी बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो बड़ी नॉब्स हैं वो अंदर चेंबर्स को खोलने बंद करने का काम करते हैं। तो कभी भी आप हारमोनियम बजाना स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले ये चीज बहुत जरूरी ध्यान में रखना है कि ये जो नॉब्स हैं ये सारे नॉब्स खुले हुए होने चाहिए। ये खुले हुए होंगे
तभी तो आप जब हवा भरेंगे तो वो बेलो के थ्रू चेंबर्स से हवा ऊपर मेटल प्लेट्स जो रीड्स जिसको हम बोलते हैं उन रीड्स में हवा आएगी और हारमोनियम बजेगा। अगर ये खुले हुए नहीं हैं और फिर आप बेलो प्रेस करेंगे तो जैसे कि ऐसा हो जाएगा कि एक बलून में हवा भरते जा रहे हो और बलून से हवा निकलने का कहीं वो नहीं है, तो क्या होगा, बलून फूलेगा फूलेगा और एक टाइम पे फूट जाएगा। इसी तरह से हारमोनियम आपका खराब हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की चीज़ है कि आपकी ये नॉब्स खुली हुई हो, स्पेशली आप जिस एरिया में बजा रहे हैं। इसको परमानेंट आप खुली रख के छोड़ भी सकते हैं। अब ये छोटी नॉब्स क्या है, इसका अभी फिलहाल हमारे बेसिक हारमोनियम लर्निंग में यूज नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये छोटी नॉब्स डिफॉल्ट साउंड देती है, यानी कि आप कुछ भी की नहीं बजाएंगे, आप कोई भी की नहीं दबा रहे हैं, फिर भी आप ये नॉब खोल के रखेंगे तो एक नेचुरल साउंड आएगा, एक बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसे, इस तरह से। ये अभी मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है नॉब के बाद, आप जब हारमोनियम बजाते टाइम ये बेलो को प्रेस करके इसके अंदर हवा दे रहे हैं, ठीक है, या आप हवा दे रहे हैं, तो ये किस तरह से है, नीचे एक बलून के जैसा आप इमेजिन कर लीजिए, नीचे जो चेंबर्स हैं उसके अंदर हवा भर रही है, और जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे वो हवा बाहर नहीं निकलेगी। की प्रेस करने से क्या होता है, वो हवा रीड्स के थ्रू बाहर निकलती है और वो म्यूजिक बन जाता है। लेकिन आप भर रहे हैं इसको, बेलो को हिला हिला के हवा भर रहे हैं, लेकिन हवा तो बाहर निकल नहीं रही, तो अंदर हवा भरने लगेगी, बहुत हारमोनियम पे प्रेशर आने लगेगा। तो ऐसा मत कीजिए कभी भी, आप जब भी हवा भर रहे हैं साथ साथ कीज को प्रेस कीजिए। देख रहे हैं आप, मैं ऐसे ऐसे हवा भरूंगा मतलब अंदर हवा भर गई है, अब मैं नहीं बजा रहा हूं तो भी अंदर हवा है। देखा आपने, तो कभी भी अंदर हवा ज्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं रहनी चाहिए, उसको रिलीज होना है। ऐसे ऐसे करेंगे आप और नीचे से हवा नहीं निकालेंगे, अभी हवा अंदर स्टोर्ड है, वो बाहर तो निकलने का कहां से, बाहर निकलने का ऑप्शन यहीं से, तो हवा निकालनी है। जब भी आप बेलो को बंद कर रहे हैं तो भी सीधा ऐसे ही बंद ना कर दें, बेलो को बंद करते टाइम भी आप कीज को दबा के बेलो को बंद करें ताकि अंदर हवा ना रहे, और लास्ट में कीज को दबा के देख लीजिए आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मतलब अंदर हवा नहीं है। इन चीजों का खास ख्याल रखें ताकि आपका हारमोनियम सालों साल तक बहुत अच्छे से चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा ना अंदर रीड्स पे कितनी फाइन मेटल की पत्तियां लगी हुई, वो कहीं भी आपने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया और बहुत ज्यादा बेलो को हिलाया या ढंग से नहीं दिया, वो मेटल रीड्स के अंदर से हवा जा रही, वो हवा उस पत्ती की हिलने की वजह से हवा आती है और वो पत्ती थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, थोड़ी सी टूट गई और आपके हारमोनियम खराब हो जाएगा, आपको रिपेयरिंग के लिए ले जाना पड़ेगा पत्ती को चेंज करवाने के लिए। तो इसलिए ये खास चीजों का ख्याल रखें कि नॉब्स हमेशा खुले हो और जब भी आप बेलो को हिला रहे हैं साथ साथ आप कीज को भी दबा रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।